लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके थैंक्स अ लॉट। ओके बाय, सी यू इन बॉम्बे। इंडिया से मुबारकबाद के बहुत फोन आ रहे हैं मानसी। नाउ यू आर एन इंटरनेशनल स्टार। आई एम रियली वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। क्या फॉर सम वाइन? नो थैंक्स। कल रात जो गाते गाते तुमने आंसू बहाए वो तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे ये मानव का जहर तो निकलना ही था। अच्छा हो गया शादी से पहले ही निकल गया। शादी के बाद निकलता तो शायद मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती। टू लव मी? यस विक्रांत। कल 27 है, कोर्ट में हमारी शादी, रिसेप्शन और फिर मालूम है बीपीएल वालों का फोन आया कि एयरपोर्ट पर पहुंचते हमारा कमाल का रिसेप्शन होने वाला है। कल मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन होगा, बेस्ट। मानसी जी, आज के बाद आप मिसेस विक्रांत कपूर बन जाएंगी। आप खुश हैं ना? जी हाँ। सब ठीक है ना? मानव यहाँ तो नहीं आया? आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था मुझे मानसी से मिलना है। थैंक यू। फिर क्या हुआ? फिर वो गायब हो गया। गायब हो गया? एसीपी साहब। यस। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, जबरदस्त। डोंट वरी सर, सब इंतजाम है। प्लीज प्लीज पीछे हटिए आप लोग। मानसी की तबीयत ठीक नहीं है, कैन यू प्लीज? आप लोग पीछे हटिए। पूरा ड्रामा तैयार है, 4 बजे तक तुम्हारी मैरिज हो जाएगी और उसके बाद होटल लीला में रिसेप्शन है। और मानव? मानव का क्या है यार, उड़ा देंगे बीच में आए तो। उड़ा देना, जरूरत पड़े तो उड़ा देना। दीदी बैठेंगे दीवाने तो। सही है। चीयर्स। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाबा, आपको दीदी बुला रही है। ले पकड़। क्या है ये? क्या है बाबा? क्या क्या है? आप किसके साथ हंस रहे हैं? कोका कोला पी रहे हैं? मैं समझ गया बेटा, दुनिया में पहले दोस्त बनते हैं, फिर प्यार होता है, फिर झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद अगर दोस्त वापस आके माफी मांग ले तो प्यार और बढ़ जाता है। बाबा, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? बेटा, जगमोहन तुम्हें आशीर्वाद देने आया है, मेरा दोस्त बनके। चलो भाई अंदर चलो, कम ऑन लेट्स गो। अच्छा जी, जाओ 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 भाई, जाओ। जाने दो तारा बाबू, मैं चलता हूँ। मुझे माफ करना भैया, ये क्या माफी? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ओके मैं चलता हूं। डरो मत मानसी, मैं आज तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने नहीं, आग बुझाने आया हूं। नहीं मानव भैया, आज के दिन नहीं, आज के दिन ही इला, आज के दिन ही तुम्हारी दीदी के झूठे मेकअप को उतारना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूं मानसी कि शादी ना ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई उत्सव है। अगर उत्सव है तो लोगों के लिए है। शादी दो आत्माओं, दो दिलों का मेल है, जिसमें दो जन भरपूर जिंदगी साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मरते हैं। तुम आज विक्रांत से शादी करके सबसे बड़ा धोखा विक्रांत को दे रही हो और खुद को भी। अरे ये शादी नहीं, 3 जिंदगियों की बर्बादी है। क्योंकि तुम शादी विक्रांत से कर रही हो लेकिन तुम्हारे दिल में मानव है, सिर्फ मानव। नहीं, कोई नहीं है मेरे दिल में। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे हर गीत, हर सुर, हर ताल में मानव है। मानव ही तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार है। भाई साहब चलिए बात चलिए। एक मिनट, देखो रो रही हो तुम, आंसू बहा रही हो। तुम्हारे आंसू कह रहे कि जो होने जा रहा है वो सच नहीं है। प्रेम ही मर सकते हैं मानसी, प्रेम नहीं। भाई साहब आप बाहर चलिए, तुम्हारा हूं और तुम्हारा इंतजार करूंगा मानसी। I love you Mansi, I love you Mansi। कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। Thank you.
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गाड़ी में जाके बैठ जाऊँ। बैनर्जी मानसी को लिमो में बिठाओ। दादा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, शादी कोर्ट में भी होगी मंडप में भी होगी। तेरी कुछ समझ में भी नहीं आएगा बेटा, ये ताल बेताल हो चुकी है बस। एसीपी साहब, ये आपकी क्या सिक्योरिटी है? वो आदमी देख रहे हो कुत्ते के साथ, वही मेरा दुश्मन है। उसकी जेब में बॉम्ब है, ह्यूमन बॉम्ब, जो हमें तुम्हें सबको उड़ा देगा। आई एम वार्निंग यू विल बी फिनिश्ड। जरा एक मिनट ठहरिए। ए लड़के हिलना मत। मैं कहाँ हिल रहा? नहीं, मुझे लगा कि तुम हिलोगे। मंडप पे शादी करने से पहले आपने कोर्ट में शादी करने की क्यों सोची? आप दिल्ली से आज तक, अगर ये राज मैं आपको कल तक बताऊं तो चलेगा? होटल लीला में आइए और रिसेप्शन के बाद पूछिए, फिलहाल मैं जरा टेंशन में हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे वो लड़का तो एक फैन है मानसी जी का, जैसे आम फैन हुआ करते हैं। उसकी जेब की तलाशी में ये देखिए मानसी जी की तस्वीर निकली है। देखिए, कोई बम का गोला नहीं निकला जैसा कि आपने कहा था। एसीपी सिंह, हर फैन और इस फैन में बहुत फर्क है, इसे गिरफ्तार कीजिए। अरेस्ट हिम टिल आई गेट मैरिड, अंडरस्टैंड? आई कांट अंडरस्टैंड, हाउ कैन अरेस्ट हिम? अरे कोई वजह तो होना चाहिए, हम खा उसको गिरफ्तार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो फिर डांस कीजिए, डांस कीजिए ना। इस पब्लिक ने तो दिमाग खराब कर दिया। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। वो यहाँ आया हुआ है चिच्चड़ कहीं का, अगर चाहता क्या हमसे? ब्राउनी, ब्राउनी, तुम जानती हो उसे? जी, वो मानव का कुत्ता है। बहुत बहुत प्यार आ रहा मानव के कुत्ते पर। पुनिया कुत्ते को भेज दिया, अबे हट, जाओ उस कमीने के पास, चल हट हट हट। अरे मेरा कुत्ता मर जाएगा। अरे आप भागिए, छोड़ो मुझे। थैंक यू हीला, थैंक यू। हीला शर्मा, एक बात सच सच बताओगी तुम? जी। मानव मानसी से एयरपोर्ट लॉन्च में क्या कह रहा था? तुम्हें मानसी की कसम। मानव कह रहा था कि मानसी तुम शादी भले ही विक्रांत से कर रही हो, पर तुम्हारे दिल में सिर्फ मानव ही है। दादा वो देखिए उधर।
ओए, ये यहाँ भी आ गए? और कितना टाइम लगेगा बैनर्जी? बस 3 रजिस्ट्री हो गई और 2 कपल और बाकी रह गए। सब काम फिट फटाफट होता चला जा रहा है। पुलिस सिक्योरिटी हर चीज का इंतजाम है हमारे पास। लीला में हमने इंटरनेशनल प्रेस भी बुला रखी है। आखिरकार सुपरस्टार कप्पू मैरिज ब्यूटी क्वीन मानसी। सोमवार के दिन 7 लोग की शक्ति शिव शक्ति का आशीर्वाद जरूर लेना बेटे, जीवन में जीत ही जीत होगी। सॉरी बाबा, इस वक्त मेरे पास सिक्का नहीं है। बाबा ये लीजिए। मन पसंद वर तुम्हें सदा सुखी रखे। कपू, इट्स ऑलमोस्ट डन। 5 मिनट में रजिस्ट्रार तुम्हें बुलाने वाला है। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके प्रभा, इन दोनों को लेकर आना। में हम दोनों की शादी हो जाएगी। कमाल जिंदगी है। एक बात सच सच बताओगी तुम? खुश हो ना तुम? हाँ खुश हूँ। मुझसे प्यार करती हो? जी। मुझसे प्यार करती हो? ये क्या सवाल है? अभी अभी जो तुमने साधु को सिक्का दिया, उससे मुझे अपनी माए की याद आ गई। माए, वाह। माए कहती थी, नेकी कर दरिया में डाल, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सच्चा प्यार बलिदान में है। और मामा जी कहते थे, ये सब बकवास है, बस हासिल करो हासिल करो हासिल करो। मानसी, न जाने आज मुझे क्यों लग रहा है कि मैं हार रहा हूं। और वो तुम्हारा मानव है ना, मानव, वो मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। मुझे, और मुझे हारने की बिल्कुल आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे जीतना है, हर हाल में मुझे जीतना है। और अगर तुम्हें मेरे एहसानों का जरा भी एहसास है तो तुम्हें मुझे जिताना होगा। मुझे, मैं कैसे? देखो मेरे प्यार की तरफ, देखो मुझ में सिर्फ अहंकार है, चलन है, द्वेष है, हट है, हासिल करने का हट है। पर मानव, मानव में ईश्वर है, सही ईश्वर है। उसके प्यार और सच्चे प्यार ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, हमेशा चोट पहुंचाई है। सही तो कहा उसने कि मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई उत्सव नहीं, वो तो दो आत्माओं का मेल है, जिसमें दो जन जिंदगी भर साथ साथ जीते हैं, साथ साथ मरते हैं। ठीक ही कहा उसने कि दुनिया जीत लेने से और अंग्रेजी कपड़े पहन लेने से हिंदुस्तानी लड़की अंग्रेज नहीं बन जाती। उसका पहला प्यार ही रहता है। देखो मैं डायरेक्टर हूं, जानता हूं, अंदर की बात सुन लेता हूं। तुम्हारे रोम रोम में मानव बसा हुआ है और तुम्हारे खून की हर बूंद में भी। देखो ये देखो, अरे पगली, तुम अपने प्यार से झगड़ कर मेरे पास आई, खुद को बदल डाला मगर दिल को ना बदल सकी। तुम्हारा दिल तो वही है मानव के पास। तुम्हारे गीतों की सही ताल सिर्फ मानव है, मैं नहीं। राज, आज तुम्हें मुझे जिताना है, जानती हो कैसे? अभी इसी वक्त दरवाजा खोलो और भाग कर सबके सामने मानव के पास चली जाओ। प्लीज, तेरी खातिर, हम तीनों की खुशियों की खातिर, जाओ जाओ। ऐसी आज से हम लोग हमेशा, मैं तुम और मानव, दोस्त बनकर रहेंगे। I like him, he's a great guy. Go, Mansi.
गो गो कब आज सोचो मत चलो कपूर बुलाया नहीं बैरा जी आज की मानव के पास जाए क्या बात जा क्या जाओ मानव तुम्हारा इंतजार कर रहा है गो मानसी मानव के पास चली गई हाँ अच्छा तो फिर अब हम मिलते हैं तुम्हें जुदा किया और हम ही मिला रहे हैं हमारा आशीर्वाद है बेटी गले मिलो गले अरे कैसे मिलेंगे यार हम जो यहां पे हैं चलो चले